पाताल भैरवी। यही है मंत्र तंत्र का वट वृक्ष डिंबक। स्वामी ये आवाज कैसी? ये पाताल भैरवी की आवाज है, वो तुझे बुला रही है। क्या तो मेरे उपहार ले जा। जय पाताल भैरवी। ये पाताल भैरवी कौन है, कहाँ रहती है? वो सर्वशक्तिमान है, पूरे विश्व पूरी कायनात को वश में करने के लिए जिन 8 शक्तियों की जरूरत है वो उसके पास है, और जो उसके पास पहुंच जाएगा वो शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। डिंबक चढ़ जा पेड़ पर। अस्तफ्रीन अब बेधड़क पेड़ पर चढ़ जा। अस्तफ्रीन अस्तफ्रीन तू सचमुच का बहादुर है रे डिंबक। अब देख मैं तुझे पाताल गृह का रास्ता दिखाता हूं। चल डिंबक अब पाताल भैरवी प्रकट होगी, आग में कूद जा। अरे सोचता क्या है डिंबक, तेरी मनोकामना पूरी होगी, राजकुमारी मिलेगी तो मैं लोगों का राजा होगा। चल शूरवीर पालक भाई को दामन से झटक और आग में कूद जा।
हे डिंबक, यह महाप्रतापी तेजस्वी महाशक्ति पाताल भैरवी, मैं ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करके देवी को प्रसन्न करता हूं। तो उस मानसरोवर में स्नान करके शुद्ध होकर आ डिंबक, मैं तुझे देवी का अनुग्रह दिलाऊंगा। जा डिंबक जा। जय पाताल भैरवी। तकदीर बनती है, ये ले। ये है मेरी महान शक्ति, मेरी प्रतिमा। जो कोई मेरा ध्यान करके इस प्रतिमा को अपने माथे से लगाएगा, मैं उसके सामने प्रत्यक्ष होकर उसकी मांग, उसकी मनोकामना पूरी करूंगी। जय पाताल भैरवी। मानव, बोल क्या इच्छा है तेरी? मुझे इंद्र जैसा भाग्यशाली राजकुमार बनाकर उज्जैन नगरी पहुंचा दो। तथास्तु। इंदु, मैं हूं तुम्हारा रामू। रामू, तुम यहां अचानक कैसे आ गए? तुम्हारे दिल की पुकार सुनकर। इंदु, मगर ये राजकुमारों के पोशाक, ये सब तुम्हारे प्यार का चमत्कार है। मैं समझी नहीं। मन में सच्चाई और ईमानदारी का जज्बा लिए हुए, हिम्मत से बढ़ते हुए, रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से गुजरते हुए, मैंने सीधे जाकर माँ पाताल भैरवी के चरणों में सर झुका दिया। आज माँ के आशीर्वाद से मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ इंदु, देवी माँ ने मुझे वो शक्ति दी है जिसे मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ। सच? तुम्हारी कसम, महाराज ने तुम्हारा हाथ मांगने से पहले जो जो शर्तें रखी थी, मैंने वो सब पूरी कर दी है, बल्कि उससे बढ़कर पा लिया। अब अपने पिताजी से जाकर कहो कि उनका दामाद जमाने भर की दौलत उठा लाया है, उसके बदले में उनकी बेटी मांग रहा है, उसे मेरी प्रेम की झोली में डाल दे। रामो माली का छोपड़ा था, और एक ही रात में इतना शानदार महल कैसे बन गया? विजय भव, महाराज, महाप्रभु, आप ही के आशीर्वाद के कारण मेरे सबसे प्यारे मित्र श्री 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 रामचंद्र जी ने देवी की कृपा से कीर्ति सहस्य आपके बगीचे में अपनी पुरानी कुटिया के स्थान पर एक महान 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 माया महल खड़ा कर दिया है, और उन्होंने गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर आपकी सेवा में एक सप्रेम भेंट भेजी है। भेंट स्वीकार करके उपकार कीजिए महाराज, उपकार कीजिए। हीरे उपहार देखकर आंखें चुंधिया गई, महल देखकर तो होश ही उड़ जाएंगे। होश ही क्यों उड़ जाएगा, आपका राजपाट भी उड़ जाएगा, आसमान फट जाएगा हमारे दिमाग की तरह। मैं तो कहूँ पुप्पा जी, ये सब चोरी का माल लगता है। अरे सीता फल है, है?
कभी भोचाल, कभी हड़ताल, अभी सीताबल। पुप्पो जी समझाओ ना, मेरा नाम चंचल है, चंचल। अरे कोई भी चल हो, लेकिन जबान कम चलाया करो। हाँ तो महाशय आगे बोलो। महाराज हमारे मित्र की एक विनती है कि आप अपने परिवार समेत माया महल में पधारें, हमारी दावत को स्वीकार करके हमें सम्मानित करें। हम अवश्य आएंगे।